dear students, today is your maths revision online class and today's our topic is simplify. ठीक है, simplify exercise 3.1 page number 67. ठीक है, question number 6. 3.1 exercise हमने last week में revise की थी, but उसमें question number 6 था, हमने छोड़ दिया था क्योंकि वो late करता है next 3.4 and 3.5 exercise के साथ. ठीक है, simplify means simple means आप उसको कैसे further और simple कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म आप फ्रैक्शन के नंबर्स को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थ्रू डिवीजन आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 25/75. ठीक है, यहाँ पे ये जो नंबर्स आपको गिवन है, एंड फ्रैक्शन मीन्स डिवीजन. ठीक है, आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर के साथ डिवाइड करते हैं. कैसे डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पे इसको 12 लिखेंगे, 25/75. ठीक है, अब कुछ एलिजिबिलिटी रूल्स हमने लिखे थे, उसके अकॉर्डिंग हमने इन दो नंबर्स को चेक करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में डिवाइड होते हैं, सेम टेबल, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास किस सेम टेबल पर डिवाइड होते हैं. यहाँ पे हमारे पास वंस क्या, उसमें क्या है, 5. न्यूमिनेटर में भी 5 है, डिनोमिनेटर में भी 5 है. इट्स मीन कि ये दोनों नंबर्स टेबल ऑफ 5 के साथ डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन पुट करेंगे डिवीजन का, और उसके बाद जो कि हमने इसको डिवाइड करना है, इस टेबल के साथ करना है, वो टेबल हम लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों नंबर्स टेबल ऑफ 5 के साथ डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 25 आ चुके, 5 के टेबल में 25 कहाँ पे आता है, 5 5s are 25, सो वी राइट 5 फ्रैक्शन लाइन, एंड 5 के टेबल के साथ हमने 75 को डिवाइड करना है. अब यहाँ पे देखिए, आपके पास 75 थोड़ा सा बिग नंबर है, अगर आप इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको थ्रू रफ वर्क कर सकते हैं. ठीक है, आप रफ वर्क का हाउस बना लें, 75 / 5. ठीक है, 5 1s are 5, 7 - 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 2, और ये 5 जंप करके नीचे आ जाएगा. ठीक है, 5 5s are 25. यहाँ पे देखिए, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया. ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या आ गया, 15, और ये क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाएगा, हाउस के नीचे 5 के साथ जब हमने 75 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 15. ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, बल्कि आप इसको फर्दर चेक करेंगे, आगे इसको चेक करेंगे कि आया कि आगे भी डिवाइड होता है. अब आपके पास डिनोमिनेटर में भी 15 है, न्यूमिनेटर में आपके पास 5 है, अगेन ये टेबल ऑफ 5 के साथ डिवाइड होता है. तो हम यहाँ पे दोबारा इसको डिवाइड करेंगे, इसको एज इट इज नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपके पास अगेन हम लिखेंगे 5 and 5. ठीक है, आप इसको दोबारा डिवाइड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 1s are 5 and 5 3s are 15. तो यहाँ पे अब आप चेक करें कि अगर एक और टॉपिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, आपके पास पेज 90 है, वेरीफाई कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 2 है. यहाँ पे आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन है 3/5 × 4/6 = 4/6 × 3/5. ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, इससे पहले एडिशन की कम्युनिटी प्रॉपर्टी आप कर चुके हैं, वहां पे आप वेरीफाई कर चुके हैं कि आपने उसमें आपके पास सेम आंसर आते हैं. अगर नंबर की प्लेसमेंट चेंज करने से इसके आंसर में कोई फर्क तो नहीं आता, अगर नहीं आता तो इट्स मीन कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी. ठीक है, साइन आपके पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है, और मल्टीप्लीकेशन में आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, आप इसको चेक करते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम किसी टेबल में डिवाइड होते हैं कि नहीं. इससे पहले जो सिंप्लीफाई के क्वेश्चन आपने किए हैं, वहां पे आपने डिवाइड का मेथड सीख लिया है. यहाँ पे हम साइंस को नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट डिवाइड करते हैं. ठीक है, कटिंग का मेथड करते हैं. अब यहाँ पे आप चेक करें कि 3 and 5, ये इसकी कटिंग नहीं होती, हम इसमें क्रॉस में भी चेक कर सकते हैं. 3 and 6, 3 और 6 दोनों कौन से टेबल में डिवाइड होते हैं, टेबल ऑफ 3 के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3. ठीक है, 3 के टेबल में 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6. ठीक है, इक्वालिटी का साइन है. इसके बाद आप यहाँ पे भी चेक करें, सेम इसी तरह से आपके पास क्या है, 3/5 एंड 3 और 6 की कटिंग हो जाएगी, 4 और 5 की कटिंग नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6. यहाँ पे इसको दोबारा अरेंज करेंगे हम नंबर्स को. ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5, मल्टीप्लीकेशन का साइन अपनी जगह पे, 4/2.
ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 4/2 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है ना। अब हम दोबारा चेक करते हैं कि आया ये दोबारा इसकी कटिंग होती है, दोबारा से ये डिवाइड होते हैं 1/5, 4 और 5 की कटिंग नहीं होती बल्कि 4 और 2 टेबल ऑफ 2 के साथ क्रॉस हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह इक्वल के साइन के बाद यहाँ पे देखिए 4/2 टेबल ऑफ 2 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, ठीक है। यहाँ पे ये कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे दोबारा इसको अरेंज करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई 2/1, यहाँ पे देखें 2/1 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। अब फर्दर चेक करते हैं कि आपके पास अगेन इसकी कटिंग होती है, लेकिन यहाँ देखें सारे आपके पास कौन से नंबर्स आ गए हैं, सारे आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जो कटिंग नहीं होती, ऑड नंबर्स हैं और 2 है यहाँ पे लेकिन कटिंग नहीं होती। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 by 5 मल्टीप्लाई 1, सिमिलरली बैक साइड को भी करना है, 2 मल्टीप्लाई 1 by 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, 2/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/5। यहाँ पे देखिए कि आपकी ये दोनों साइड्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो आंसर्स है वो सेम आ गए, इट्स बीन ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई है। सो लास्ट में आप क्या लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ एक पेज नंबर 96 आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 1/5 / 3/4। अब यहाँ पे आप देखें कि आपका साइन क्या है, डिविजन का है, ठीक है। ऑलरेडी आप फ्रैक्शन में डिवाइड ही करते हैं और फर्दर इसको इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें साइन को चेंज करना होता है, डिविजन के साइन को चेंज करना होता है मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं डिवाइडेड 3/4, ओके। यहाँ पे देखें आप साइन जब चेंज करते हैं तो इस स्टेप को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। यहाँ पे आप देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5, यहाँ पे आप पेंसिल से लिख सकते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। साइन आपका चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज होने के साथ ही नंबर्स की प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह पे और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है। अब आपने इसकी कैंसिल चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास 1/5 है मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको चेक करना है कि ये नंबर्स कैंसिल होते हैं दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर ऐसे नहीं है जो आपस में कैंसिल हो सके, तो जब कैंसिल नहीं होगी तो वहां पे हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4/15, ठीक है। 4 1s are 4, 5 3s are 15, और यहाँ पे यही आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपना होमवर्क, प्रैक्टिस ऑफ यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4 3.5 ऑन रफ नोटबुक, ठीक है। ओके, थैंक यू।